नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पवन सीरीज के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं हल कराऊंगा। और इसमें देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कि पार्क जो है वो क्या है, वर्गाकार है, और उसकी भुजा दी हुई है 30 मीटर। तो यहां पर देख लीजिए, स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि जो वर्गाकार पार्क है वो बनी हुई है। तो यहां पर देखिए, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। यानी कि जो है, जब वर्गाकार है तो एक केवल भुजा की लंबाई दी हुई होगी, तो उतनी ही नाप की सारी भुजाएं हो जाएंगी। और कहा गया है इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखिए, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहां पर देखिए 1 मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता जो है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, कहा गया है कि पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पार्क फिर कितना बचा, देखिए ये भाग जो है, ये जो है भाग इतना बचा पार्क का, और किनारे किनारे 1 मीटर चौड़ा जो है वो क्या हुआ, रास्ता निकल गया। तो अब देखिए, अब जो ये वर्ग जो बीच का जो पार्क बचा है वो, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो देखिए दोनों तरफ से 1-1 मीटर घट जाएगा। तो 1-1 मीटर जब दोनों तरफ से घटेगा तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 28-28 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो 28 मीटर बची है इसी से जो है लंबाई चौड़ाई, इसी से जो है पार्क की, पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर जो क्षेत्रफल आएगा उसी को जो है क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा जो पार्क में घास लगवाने का खर्चा है वो निकल आएगा। तो यहां पर देखिए, आंसर है 30 मीटर भुजा का पार्क जिसमें चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस प्रकार रास्ता छोड़कर पार्क की एक भुजा, यानी कि जब रास्ता इतना छोड़ देंगे चारों तरफ, तब पार्क की भुजा क्या होगी, तो देखिए पार्क की भुजा फिर होगी, यानी कि 30 में से, यानी कि जो पूरी लंबाई है उसमें से क्या करेंगे, दोनों तरफ 1-1 मीटर जब रास्ता निकल जाएगा तो उसमें से 2 घटा देंगे, तो हमारी जो एक भुजा है कितनी बचेगी, 28 मीटर बचेगी। फिर पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि पार्क वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा यहां पर दी हुई है 28 मीटर, तो यहां पर 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 × 28 हो जाएगा, और 28 का 28 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 784 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, वर्गाकार पार्क में घास लगाने का खर्च निकालना है। तो यहां पर देखिए, जो पार्क है उसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर आ चुका है, तो अब क्या करेंगे, 784 का 2 से गुणा कर देंगे, और जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1568 रुपया आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a+b = 12 तथा a-b = 2 हो तो a²-b² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए, a+b = 12 दिया हुआ है, और a-b = 2 दिया हुआ है, और हमको मान निकालना है a²-b² का। तो देखिए, a²-b² का फार्मूला क्या होता है, a+b a-b, ये फार्मूला लगा देंगे, और फिर देखिए a+b का मान दिया हुआ है 12, तो यहां पर 12 रख देंगे, और a-b का जो है मान दिया हुआ है 2, तो यहां पर 2 रख देंगे। दोनों के बीच में देखिए, यहां पर जो है गुणे का चिन्ह है, तो यहां पर भी देखिए गुणे का चिन्ह लगा देंगे, तो 12 × 2 = 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a²-b² = कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्याय पंचायत में 3x+2 ग्राम सभाएं हैं, यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x²+3x+6 मतदाता हैं, यदि x = 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी 2019 का ही आया हुआ
क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोग सारे के सारे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं लगभग में सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करा चुका हूं। देखिए 2016, 17, 18, 19 इन सभी को मैं हल करा चुका हूं, तो वहां से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पूरे जो है वही क्वेश्चन बीच बीच में से हर ईयर के क्वेश्चन जो है उठा लिए जाते हैं, और जो है ज्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है, तो पासिंग मार्क तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो जो जिन लोगों का बैक है तो वो तो बिल्कुल ही जो है क्या करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तैयार कर लें, तो उनको जो है इसका फायदा मिल जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्राम सभा दी हुई है कितनी, 3x+2 दी हुई है, और जो है मतदाताओं की यानी कि प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाताओं की जो है संख्या कितनी दी हुई है, तो वो दी हुई है x² + 3x + 6। तो क्या करेंगे कि मतदाताओं की संख्या हमको निकालना है, तो मतदाताओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितनी जो है न्याय पंचायत है यानी कि जो है न्याय पंचायत में जितनी ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में जितने जो है मतदाता हैं उनका क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। और यहां पर देखिए जब गुणा करेंगे तो गुणा करके हमारा कितना आएगा, देखिए यहां पर 3x का x² से गुणा करेंगे तो 3x³ आएगा, फिर देखिए 3x से करेंगे तो 3 * 9 9x² आ जाएगा, और फिर 3x का 6 से करेंगे तो 6 * 18x आ जाएगा, और फिर 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2x² आ जाएगा, और फिर 2 * 3 6 6x आ जाएगा, और फिर 6 * 2 = 12 यानी कि 12 आ जाएगा, फिर यहां पर इन सभी को जोड़ लेंगे तो जोड़कर हमारा ये आ रहा 3x³ + 11x² + 24x + 12। तो इस प्रकार से ये कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी, लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि यदि x = 2 दिया हो तब मतदाताओं की संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे इसमें जो है x = 2 मान रख देंगे। तो देखिए मान रखने पर मतदाताओं की संख्या कितनी आएगी, तो देखिए आगे देखते हैं, तो देखिए क्या करेंगे अब उसमें जो है x = 2 रख देंगे, तो यहां पर देखिए 3 और फिर x की जगह पर देखिए 2 रख देंगे यहां पर, तो 2x³ हो जाएगा, और फिर यहां पर देखिए x की जगह पर फिर 2 रखेंगे तो 2x² 2 की पावर 2 हो जाएगा, और फिर यहां पर देखिए 24x था तो यहां पर भी 2 रख देंगे मान, और इस प्रकार से देखिए अब क्या करेंगे इन सभी का जो है क्यूब स्क्वायर और गुणा जो है कर लेंगे, तो यहां पर देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 * 4 4 * 2 = 8, तो यहां पर देखिए 3 * 8 हो जाएगा, और यहां पर 2 * 4 यानी कि 11 * 4 हो जाएगा, और यहां पर 24 * 2 = 48 हो जाएगा, फिर प्लस का 12 हो जाएगा, फिर यहां पर 3 * 8 = 24 हो गया, गैर चौक 44 हो गया, और फिर 48 और प्लस का यहां पर 12 हो जाएगा। देखिए 12 यहां पर था और जो है यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर जब देखिए 12 की जगह पर 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर 2 की जगह पर क्या करेंगे 12 लिख लेंगे, क्योंकि यहां पर 12 ही होगा, तो यहां पर देखिए इसके जोड़ में क्या होगा अंतर आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 128 यानी कि 128 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी 128। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AB = 5 और A - B = 4 हो तो A³ + B³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर AB = 5 दिया हुआ है, A - B = 4 दिया हुआ है, तो A³ + B³ का मान निकालना है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे सबसे पहले A - B = 4 लिख लेंगे, फिर यहां से A की वैल्यू निकाल लेंगे और B को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या होगा B इधर माइनस में है तो इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो यहां पर B + 4 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे A का मान जो है वो उठा करके AB = 5 में रख देंगे, तो यहां पर देखिए A की जगह पर क्या करेंगे B + 4 रख देंगे, तो यहां पर B + 4 * B = 5 हो जाएगा। अब देखिए B का अंदर गुणा करेंगे तो B² + 4B = 5 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे 5 को भी उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो देखिए 5 जो है वो माइनस में आ जाएगा, फिर यहां पर B²
प्लस 5b माइनस बी और फिर माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या किए हैं जो है गुणनखंड कर लिए हैं इसके। तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस बी माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि जो है यहां पर 5b में से अगर माइनस बी को घटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 4b ही बचेगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए दो दो के जोड़े बना लेंगे और दो दो के जोड़े बना करके फिर क्या करेंगे, यहां पर दो दो के जोड़े में से कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर देखिए बी कॉमन लिया गया है दो के जोड़े में से, तो यहां से बचा बी और यहां से बचा देखिए 5, और इसमें दो के जोड़े में जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा b और यहां से देखिए बचेगा प्लस का 5। तो इस प्रकार से जो है अब क्या करेंगे, अब यहां पर इस पूरे में से जो है b प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से b प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहां b माइनस 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से b प्लस 5 और b माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, b प्लस 5 और b माइनस 1। तो यहां पर देखिए अब क्या होगा, यहां पर देखिए b के यहां पर दो मान निकल रहा है, यानी कि द्विघात समीकरण है, तो क्या होगा b के दो मान निकलेंगे। तो यहां पर जो है एक बार इनको b के मान मान लेंगे और एक बार इनको a के मान, क्योंकि यहां पर a की जगह पर जो है b को रखे थे, तो जो मान a के आएंगे वही b के आएंगे। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, जैसे a जो है b बराबर यहां पर 1 रखे हैं, तो यहां पर जो है एक बार a बराबर -1 रख लेंगे, यहां b बराबर -5 रखे हैं तो यहां a बराबर +5 रख लेंगे, यानी कि एक बार a और b के प्लस वाले मान रख लेंगे और एक बार माइनस वाले मान रख लेंगे। फिर देखिए यहां पर देखिए क्या करेंगे, अब हमको a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकालना था, तो यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकालना था, तो जब हम जो है यहां पर b बराबर 1 और a बराबर 5 मानेंगे, तो यहां पर देखिए b की जगह पर जो है 1 और a की जगह पर 5 रख करके यहां पर मान निकालेंगे तो 126 आएगा, यानी कि 25 और 25 पंचे 125 और 125 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरी बार में b बराबर -5 और a बराबर -1 रखेंगे, तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर जो है -1 का होल क्यूब करेंगे तो यहां पर माइनस का 1 आएगा और -5 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस का 125 आएगा, तो माइनस का 125 और माइनस का 1 जुड़ जाएगा तो माइनस का 126 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक मान हमारा आएगा 126 और एक आएगा माइनस का 126, दोनों ही ये उत्तर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। तो यहां पर देखिए आयतन दिया हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो कैसा है, घनाकार है, तो यहां पर घन का आयतन दिया हुआ 264 घन सेंटीमीटर, और देखिए लंबाई चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई हमको निकालनी है। तो यहां पर देखिए घन के आयतन का जो है क्या लगा लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा है घनाकार, लेकिन घनाकार नहीं घनाभाकार होना चाहिए, क्योंकि घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो देखिए यहां पर जो है लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी हुई है, तो ये घनाकार नहीं होगा, ये घनाभाकार होगा, क्योंकि घनाकार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो यहां पर देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई हमको निकालनी है, तो यहां पर क्या करेंगे, फार्मूले में जो है आयतन की जगह पर उसका आयतन लिख लेंगे और लंबाई की जगह पर लंबाई लिख लेंगे और चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पर जो है ऊंचाई रहने देंगे, यानी कि कोई संख्या नहीं दी हुई तो सिर्फ ऊंचाई ही लिखा रहने देंगे। फिर ऊंचाई को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए ये संख्या यहां पर गुणे के रूप में है, तो यहां पर क्या होंगी, बटे में आ जाएंगी। तो यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर 8 से इसको सरल कर लेंगे, तो देखिए 8 + 24 और 8 + 24 यानी कि 33 ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 33/6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है देखिए 3 से काट लेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 × 6 और जो है 3 × 3 यानी कि ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब 11 को 2 से भाग करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी,
5.5 सेंटीमीटर आ जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी मैं हल करवा चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो है क्या है, नीचे वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, 0 से देखिए 10 तक और 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। और फिर यहाँ पर देखिए क्या है, माप दी हुई है। यहाँ पर देखिए 5-5 खाने छोड़ करके देखिए 1 से 5 तक और फिर 5 से 10 तक और 10 से 15 तक, इस प्रकार से जो है माप दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए जो 0 से 10 वर्ग जो है 0 से 10 जो वर्ग अंतराल है इसमें बारंबारता कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर 0 से जो है 10 के बीच में क्या करेंगे, 2 खाने ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर 0 और 5 के बीच में 5 छोटे खाने होंगे और 5 छोटे खानों में क्या करेंगे, 2 तक सिर्फ चलेंगे और फिर जो है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये बन जाएगा। और उसके बाद फिर आयत चित्र और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दूसरे वर्ग अंतराल में। तो यहाँ पर दूसरे वर्ग अंतराल में देखिए 10 से 20 है, तो 10 से 20 के बीच में कितना चलना है, 8 चलना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 20 के बीच में देखिए 8 तक जाना है। तो यहाँ पर जो है 8 तक जाएंगे, यानी कि 10 से जो है थोड़ा नीचे ही रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आयत चित्र बन जाएगा। और इसी प्रकार से क्या करेंगे, 20 और 30 के बीच में 15 खाने चलना है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 30 के जो है बीच में क्या करेंगे, 15 खाने चलेंगे और फिर 30 और 40 के बीच में फिर 20 खाने इस तरीके से चलेंगे, यानी कि 20 तक जाएंगे। और फिर 40 और 50 के बीच में 16 तक जाएंगे और फिर 50 और 60 के बीच में जो है 6 तक जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आयत चित्र बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, यानी कि नीचे वर्ग अंतराल लिख लेंगे और इधर जो है इसके माप लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आयत चित्र बनाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजक 4x² + 7x + 12 में से व्यंजक 2x² + 6x + 5 को घटाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर व्यंजक में से क्या करना है, एक दूसरे व्यंजक को घटाना है। तो देखिए जिसमें से जिसको घटाना है तो क्या करेंगे, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर रखेंगे और जिसको घटाना है उसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, और जो नीचे वाला व्यंजक है उसके क्या करते हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। बीजगणित में आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी व्यंजक होते हैं, यानी कि जो बीजगणित के अंक होते हैं उनमें क्या करते हैं, घटाने पर चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके साथ में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ में भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सभी को घटा देंगे। तो देखिए 4x² में से 2x² घटेगा तो 2x² बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए 7x में से 6x घटेगा तो देखिए 1x बचेगा। और फिर यहाँ पर 12 में से जो है 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इस प्रकार से 2x² + x + 7 ही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 7 + 5x = 15 + 3x को हल कीजिए। 7 + 5x = 15 + 3x को हल कीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम चर को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ऊपर से जो है जो संख्याएं दी हुई हैं उनको उतार लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर 7 + 5x - 3x यानी कि 3x को इधर पक्षांतर कर लिए हैं। फिर देखिए 15 + 3x और बराबर -3x यानी कि यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों पक्षों में 3x को घटा दिए हैं। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है और आप चाहो तो पक्षांतर करके ऐसे भी मान निकाल सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन पदों को आपको काटना है चाहे तो उनको बार बार घटा करके भी जो है हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दोनों पक्षों में से -3 को घटा देंगे तो जो है कोई भी जो है पदों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए हैं कि दोनों पक्षों में 3x को घटा दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए इस 3x से ये 3x कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 5x में से 3x घट जाएगा तो 2x बचेगा। तो यहाँ पर 7 + 2x बराबर 15 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, फिर जो है वही काम करेंगे कि दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, अब दोनों पक्षों में जब 7 घटाएंगे तो यहां पर देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा और यहां पर देखिए 15 में से 7 घट जाएगा। तो यहां पर 2x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर x को एक तरफ रखेंगे या कह लीजिए कि यहां पर भी जो है वही काम करेंगे काटने वाला। तो यहां पर देखिए अभी उधर 2 शेष बचा है, यानी कि यहां पर देखिए 2 शेष बचा है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में जब 2 से भाग करेंगे तो यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 2 8 में 2 का भाग कर देंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी कि यहां पर 4 आ जाएगा और यहां पर x बचेगा। तो इस प्रकार से जो है x बराबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है और अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि पक्षांतर करके। यहां पर जैसे 5x है, इसमें से देखिए क्या करेंगे, इसमें से 3x घटा देंगे क्योंकि ये पक्षांतर होकर के इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा इधर 2x बचेगा। और 15 में से ये 7 जब पक्षांतर करेंगे इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए 2x बराबर कितना बचेगा, 8 बचेगा। और जब x बराबर देखिए इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो जो है इधर ये गुणा कर रहा उधर जाएगा तो भाग करेगा तो x बराबर जो है 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 4 मान लाया जा सकता है और इससे आसान तरीके से लाया जा सकता है। तो आप चाहें तो उस टाइप से करें और चाहें तो इस टाइप से करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि तरीके दोनों सही हैं, आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 3n + 4 बराबर 25 को हल कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां पर देखिए वही काम फिर करेंगे कि जो है चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे, लेकिन यहां पर जो है सीरीज में बताया गया है वो दूसरे तरीके से बताया गया है। यहां पर क्या करेंगे कि एक एक पद को धीरे धीरे कम करेंगे। तो यहां पर देखिए जो अचर पद है, सॉरी जो चर पद है, उधर देखिए जो भी संख्याएं हैं उनको धीरे धीरे हम काट काट करके क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर 3n के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में से 4 को घटाने पर लिखेंगे, यानी कि ये प्लस में है और घटाने पर जब लिखेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर बचेगा 3n और इधर जो है 25 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। फिर यहां पर 3n बटे 3 हो जाएगा और बराबर 21/3 हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में जब 3 का भाग देने पर लिखेंगे तब ये काम करेंगे, यानी कि यहां पर देखिए 3 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहां से 3 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर 3 से भाग करने पर लिखेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा और यहां पर भी नीचे 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर एन हो गया और यहां पर 3 × 7 = 21, यानी कि एन बराबर 7 हो गया। तो इस प्रकार से जो है एन बराबर 7 ही हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरे तरीके से अगर करोगे तो वो इससे भी आसान तरीका है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए 3n एक तरफ रखेंगे और जो 4 है उसको उधर भेज देंगे तो 25 - 4 हो जाएगा। और फिर यहां पर देखिए 3n बराबर हो जाएगा 21 और फिर यहां पर देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 21/3 हो जाएगा जब इसको इधर भेजेंगे और फिर 3 × 7 = 21 हो जाएगा, सरल करेंगे तो इस प्रकार से n बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - फिर देखिए a + 1/a × x + 1 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहां पर गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने में क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का अंदर गुणा कर लेंगे, यानी कि यहां पर 3 पद दिए हुए हैं तो इनको हम 4 पदों में लिख लेंगे, तभी हम जो है इनके गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए x² है तो यहां पर ऑलरेडी x² लिख देंगे, उसके बाद फिर यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर इस x का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा और
ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ए एक्स हो जाएगा, इसी प्रकार से एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स अपान ए हो जाएगा और माइनस आगे है तो इसलिए माइनस हो जाएगा और फिर यहां से प्लस का वन है तो यहां प्लस का वन उतार लेंगे। अब नीचे एक्स स्क्वायर माइनस देखिए इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर कर लेंगे तो यहां पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान ए माइनस ए एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए दो दो के जोड़े बना लेंगे और दो दो के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे तो यहां पर देखिए इस दो के जोड़े में से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो यहां पर देखिए इससे x बचा तो यहां x लिख लेंगे और यहां x कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 अपान a बच जाएगा और फिर यहां पर देखिए a कॉमन ले लेंगे तो यहां से देखिए x बचा और यहां पर देखिए एक के बटे में a नहीं था तो यहां पर एक के बटे में a ले लेंगे क्योंकि यहां पर देखिए जब a ये वाला अंदर जाएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर प्लस का वन ही बचेगा तो इस प्रकार से कॉमन लेने पर वन अपान a आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए क्या करेंगे, अब इन दो पदों में से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है तो x माइनस वन अपान a कॉमन मिल रहा है और यहां से बच रहा है x माइनस a तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे x माइनस वन अपान a एक ब्रैकेट में और x माइनस a एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64x की पावर 4 माइनस 81y की पावर 4 के गुणनखंड करें। तो देखिए 64x की पावर 4 माइनस 81y की पावर 4 के गुणनखंड कैसे करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे तो यहां पर देखिए 64x की पावर 4 को लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। देखिए यहां पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहां पर जो है 8x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, जैसे यहां पर 9y स्क्वायर लिखा हुआ है वैसे ही यहां पर 8x स्क्वायर होगा तो यहां पर देखिए 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और इस प्रकार से यहां पर 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इस जो है इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी यहां से हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये एक बार चाहे और खुल जाता लेकिन यहां पर देखिए स्क्वायर वाला फार्मूला यहां पर तो बन रहा है 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं लेकिन जो है यहां पर देखिए स्क्वायर 8 का नहीं बन रहा क्योंकि 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होती है। देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा और 2 दुन्ना 4 ही रह जाएगा तो 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होती है, 8 2 का घन होता है तो इस प्रकार से यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बनेगा इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा यानी कि इससे आगे ये हल नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन तो देखिए अगला क्वेश्चन है द्विघाती त्रिपद व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 के गुणनखंड करें। द्विघाती त्रिपद व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 के गुणनखंड करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो यहां पर देखिए क्या करेंगे 25 के गुणनखंड कर लेंगे तो यहां पर देखिए 24 आगे हमको लाना है तो क्या करेंगे यहां पर 25 में से अगर एक घटा दिया जाए तो 24 ऐसे ही आ जाएगा तो यहां पर 25 के गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, यहां पर 24 प्लस एक्स में ही सॉरी यहां पर 25 माइनस जो है एक में ही इसको तोड़ लेंगे तो यहां पर देखिए 25x में से एक x को घटा लेंगे तो यहां पर जो है इस प्रकार से ये टूट जाएगा और फिर यहां पर देखिए दो दो के जोड़े बना लेंगे और फिर दो दो के जोड़े में से यहां से देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस वन हो जाएगा और यहां से 25 कॉमन लेंगे तो यहां से देखिए x प्लस वन बच जाएगा तो फिर एक ब्रेकेट में हो जाएगा x प्लस वन और एक ब्रेकेट में हो जाएगा x माइनस 25 और यही इसका आंसर हो जाएगा यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे x प्लस वन और x माइनस 25। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे तो यहां पर देखिए होता क्या है, यहां पर क्या करते हैं कि जो x का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर ये करते हैं तो यहां पर देखिए
क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पर हमको वही फार्मूला बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो बी स्क्वायर का मतलब होगा चार का स्क्वायर। तो चार का स्क्वायर चार चौक सोलह होता है, लेकिन यहाँ पर पंद्रह है, यानी कि एक की यहाँ पर कमी है। तो वही एक क्या करेंगे, वही एक इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे, यानी कि जोड़ेंगे और घटाएंगे तो फिर जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे इस तरीके से कर दें कि एक को व्यंजक में जोड़ने तथा घटाने पर, और चाहे ये कह लें कि x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से किया गया है कि x के गुणांक आठ के आधे यानी कि चार का वर्ग सोलह तृतीय पद होना चाहिए, ये हमको देखने से ही पता चल रहा है। तो अतः इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ने पर व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, एक यहाँ पर जोड़ दिया गया है और एक जो है घटा भी दिया गया है, यानी कि हम एक काम नहीं कर सकते हैं कि या तो जोड़ दें या तो घटा दें, हमको जो है करना क्या क्या पड़ेगा कि दोनों चीजें करनी पड़ेंगी जोड़ने तथा घटाने पर, क्योंकि हम इसमें जो है जो संख्या दी हुई है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा भी देंगे। और फिर देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पर जो है पंद्रह में एक जोड़ेंगे तो सोलह हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सोलह हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर लिखा नहीं, यहाँ पर स्क्वायर मान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सोलह हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस बाहर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सोलह एक्स माइनस चार का होल स्क्वायर का जो है फार्मूला है, देखिए x माइनस फोर का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी। तो यहाँ पर देखिए जो है x माइनस फोर का ये होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, और फिर जो है वन का स्क्वायर लिख लेंगे। तो देखिए वन का जब स्क्वायर इधर लिख लेंगे यानी कि वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, तो वन को वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए चार में से वन घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का तीन हो जाएगा, और यहाँ पर चार में वन जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाती हैं संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस पांच आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस तीन और एक्स माइनस पांच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आधार और ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम सीधे से फार्मूला लगा देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर एक बटे दो गुणे 42 और गुणे 14 हो जाएगा, ऊंचाई दी हुई 14 और आधार दिया हुआ 42। तो यहाँ पर 42 गुणे 14 लिख लेंगे और फिर इन सभी का जो है गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 294 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3/4 हो जाएगा और भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भुजा की जगह पर 10 लिख देंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 × 100 हो जाएगा, और फिर देखिए क्या करेंगे, 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 25 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई या कह सकते हैं शीर्ष लंब। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर 48 लिख लेंगे और फिर एक बटे दो गुणे 12 गुणे शीर्ष लंब लिख लेंगे, क्योंकि आधार दिया हुआ है 12,
तो 12 लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, इन सभी को हल कर लेंगे। तो यहां पर देखिए शीर्ष लंब बराबर क्या हो जाएगा, 48 गुड़े 2/12, तो 12 चौक 48 होता है, तो ऊपर 4 बचेगा और 4 में 2 का गुड़ा हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो यहां पर 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर भी क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुड़े लंब या आधार गुड़े ऊंचाई। तो यहां पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल लिख लेंगे। फिर 1/2 आधार दिया हुआ है 124, तो आधार 124 लिख लेंगे। और फिर ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो यहां पर हम जो है ऊंचाई को जो है ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद फिर देखिए जो संख्याएं हैं उनको हम एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो यहां पर अभीष्ट भुजा जो है क्या हो जाएगी, अभीष्ट भुजा एक तरफ कर लेंगे, फिर इन सभी को पक्षांतर कर लेंगे, तो जो संख्याएं गुणे में हैं वह भाग में आ जाएंगी और जो भाग में है वह गुणे में पहुंच जाएंगी। तो इस प्रकार से इनको जब हल करेंगे तो देखिए 124 × 2 कितना होता है, 124 × 2 = 248 होता है, यानी कि ऊपर 20 आ जाएगा और 20 का 2 से अगर गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 40 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत की लंबाई कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही सिंपल है। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई दी हुई 18 और चौड़ाई 9 दी हुई, दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 18 × 9 = 162 होता है, तो 162 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए सीधे से हम सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो यहां पर देखिए यहां पर 1/2 गुणे विकर्ण कितने दिए हुए हैं, 18 और 12 दिए हुए हैं, तो 18 × 12 हो जाएगा, और फिर जो है इन सभी का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, 108 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक त्रिभुज का आधार 36 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर देखिए आधार दिया हुआ 36, तो आधार की जगह पर 36 लिख लेंगे, और ऊंचाई दी हुई कितनी 12, तो यहां पर ऊंचाई की जगह पर 12 लिख लेंगे, और फिर इन सभी का गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर 216 आ जाएगा, और जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से 216 वर्ग मीटर हो जाएगा, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोग कर चुके हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, और यहां पर देखिए जो है त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो यहां पर पाई की जगह पर 22/7 मान रख लेंगे, और त्रिज्या की जगह पर क्या करेंगे 14 मान रख लेंगे, और फिर यहां पर 7 से जो है इसको काट लेंगे, तो यहां पर 7 × 7 और 7 × 2 = 14 हो जाएगा। फिर देखिए 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 का 22 से गुणा होगा,
तो देखिए 22 चौक 88 यहाँ पर जो है वृत्त की परिधि आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 14, तो 14 × 14 हो जाएगा। और फिर यहाँ 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और 14 × 2 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, और फिर 28 × 22 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, बड़े घन का आयतन ज्ञात करो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी। देखिए दो घन दिए हुए हैं और दोनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है और बड़े घन का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घन किसे कहते हैं। तो देखिए घन जो है एक डिब्बे के आकार का इस तरीके से होता है, यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। कुछ इस आकार का घन होता है, तो ये हो गया घन। और घनाभ देखिए कैसा होता है, तो घनाभ का आकार देखिए इस रूप में कुछ होता है, यानी कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इस तरीके से आयत के रूप में पहले बनेगा और उसके बाद फिर जो है इस टाइप में जब बनेगा तो इसको बोलेंगे घनाभ। तो देखिए ये हो जाएगा घनाभ, और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसको घन कहेंगे, और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो उसको क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो घनों को जो है पिघला करके एक नया घन बनाया गया है, उस घन का हमको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहले वाले दोनों घन हैं उनका जो है आयतन ज्ञात कर लेंगे, और फिर दोनों को जोड़ देंगे और उनका जो योग आएगा वही क्या होगा, बड़े घन का आयतन हो जाएगा। तो देखिए पहले घन की जो एक भुजा है वो कितनी दी हुई है, तो वो देखिए दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 9 सेंटीमीटर, और दूसरे घन की भुजा कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए भुजा दी हुई है 9, तो यहाँ पर 9 का क्यूब कर लेंगे तो 9×9=81 हो जाएगा, और फिर 81×9 कितना हो जाएगा, तो 81×9 हो जाएगा 729। तो यहाँ पर 729 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कर लेंगे, क्योंकि जो है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए दूसरे घन की भुजा दी हुई है 4, तो यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा, तो 4×16 और 16×64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे घन का भी आयतन आ जाएगा, और उसके बाद फिर देखिए उसके बाद अब दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए, तो बड़े घन का आयतन निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़े घन का आयतन बराबर दोनों घनों का आयतन। तो यहाँ पर देखिए पहला घन जो है उसका आयतन है 729 और दूसरे घन का आया है 64, तो दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा, 793 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भुजा दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भुजा की जगह पर 9 रख देंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9×9=81 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चर समीकरणों को हल करके उनके उत्तरों की जांच करें। निम्न चर समीकरणों को हल करके उनके उत्तरों की जांच करें। तो यहां पर देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है 2x-3/5=7 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 5y/3+1=6। तो देखिए पहले समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है 2x-3/5=7। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 5 है तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर 7 के साथ में जो है क्या करेगा, गुणा करेगा, तो यहाँ पर 7×5=35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 35 हो गया है, और उसके बाद फिर जो है देखिए यहाँ पर 3 जो है माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 35 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए
टू को भी पक्षांतर कर देंगे तो टू जो है वो 38 के साथ में क्या करेगा, भाग करेगा, क्योंकि इधर एक्स के साथ में गुणा कर रहा तो उधर जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर 38 को जो है दो से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो है 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 19 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो देखिए यहां से जो x की वैल्यू आती है उसको क्या करते हैं LHS में रख देते हैं, और जब LHS का मान RHS के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए उत्तर की पुष्टि हो गई, यानी कि जो हमारा उत्तर है वो सही है। और जो है जब यहाँ पर जो है LHS बराबर RHS ना आए तो समझ लीजिए कि हम कहीं गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से उत्तर की जांच करनी है। और देखिए LHS और RHS दोनों को नहीं हल करना है, दोनों को तभी हल करना है जब LHS और RHS दोनों में जो है x दिया हो, यानी कि x वाला पद दोनों में हो, तब हमको दोनों पक्षों को हल करना है। और जब दोनों पक्षों में x ना दिया हो तब हमको क्या करना है, जिस पक्ष में x दिया है उधर का पक्ष ही हल करना है, बाकी दूसरी तरफ जो है अचर पद होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए LHS में जो है 2x-3/5 है, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 19 मान रख दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए 19 × 38 - 3 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, और बराबर में 7 है तो बराबर में 7 को लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 38 - 3/5 हो गया है, तो 38 में से 3 को घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, तो 35/5 हो जाएगा, और जब 35 को 5 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 5y/3 और +1 = 6 है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी देखिए 1 को सबसे पहले पक्षांतर कर लेंगे, तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो 6 के साथ में 1 जो है माइनस करेगा क्योंकि उधर प्लस में है, और उसके बाद फिर 6 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 5y = 5 = 15 हो जाएगा। और फिर जो है क्या करेंगे, 5 को भी इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 5y के साथ में गुणा कर रहा तो उधर जाएगा तो भाग करेगा तो 15/5 हो जाएगा, और फिर 5 से जो है 15 को भाग करेंगे तो 5y = 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब उत्तर की जांच में हमको क्या करना है, जो यहाँ पर y की वैल्यू आई है वही जो है यहाँ पर LHS में रख देना है। तो यहाँ पर y की जगह पर जब 3 को रखोगे तो देखिए बटे में भी 3 है, और बटे में 3 होने की वजह से जो है ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 दोनों कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा सिर्फ 5। तो यहाँ पर 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से RHS में भी 6 है और LHS में भी 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके भी उत्तर की जांच हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x-1/x = 3/5 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x-1/x = 3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए x-1/x² कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब x-1/x² करेंगे तो यहाँ पर a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² यानी कि a² का मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और फिर b² प्लस का b², तो यहाँ पर प्लस का b² का मतलब 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का 2ab होगा तो माइनस का 2ab का मतलब माइनस का 2 × x × 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब जो है x-1/x की जगह पर 3/2 मान रख देंगे क्योंकि ऊपर देखिए 3/2 मान दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है x-1/x की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर देखिए बराबर में यहाँ पर जो है x² + 1/x² दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए माइनस का 2 × x × 1/x दिया हुआ, तो यहाँ से x जो है x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ माइनस का 2 ही बचेगा। अब इस माइनस के 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और नीचे जो है 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 9/4 लिखा हुआ है और उसके बाद जो ये 2 है इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 9/4 + 2। और उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 9 + 8/4 हो जाएगा और फिर 9 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और बटे में 4 है तो बटे में 4 रहेगा। तो इस प्रकार से 17/4 आंसर हमारा आ जाएगा यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2y + 3y - x - 3x - 2y को सरल कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर से पूरा क्वेश्चन जो है उतार लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर सारे ब्रैकेट खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए इसके सामने जो है प्लस का चिन्ह है तो ये संख्याएं ऐसे ही रहेंगी, इसके सामने भी प्लस का चिन्ह है तो ये भी संख्याएं ऐसे ही रहेंगी, यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है इसकी वजह से इसके दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे यानी कि प्लस का 3x है तो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 2y है तो प्लस का 2y हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर जो है एक्स प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर 2y देखिए माइनस की है, यहाँ पर प्लस की 2y है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा 3y और बचा माइनस का 3x, तो वही यहाँ पर 3y माइनस का 3x लिख लेंगे। अब देखिए जो है 3y माइनस 3x में जो है 3 जो है कॉमन मिला तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचा क्या y माइनस जो है x बचा। अब y माइनस x बचा है तो इसको हम चाहें तो जो है x को आगे कर सकते हैं। तो x को जब आगे करेंगे तो जो है क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों में से जो है माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आगे जो है क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा माइनस का 3। तो आगे यहाँ पर देखिए बीच में जो है बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह बीच में होना चाहिए। तो देखिए बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और जो है एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि अगर ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का 3y यानी कि इसी के बराबर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है माइनस का 3 आगे कॉमन हो जाएगा और जो है x माइनस वाई जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि माइनस का 3 और ब्रैकेट में x माइनस वाई आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर × 425 सेंटीमीटर माप का है, कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं, एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कमरे की फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और करना क्या है कि कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं और एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है इसका हम निकाल लेंगे मासा, यानी कि ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जो इन दोनों दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तभी जो है यहाँ पर उसी नाप की टाइलें कमरे में लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये दोनों लंबाई और चौड़ाई दी हुई है इनका जो है हम निकाल लेंगे मासा। तो देखिए यहाँ पर भाग विधि से मासा निकालेंगे, तो देखिए 300 से जो है 425 को भाग कर देंगे तो देखिए 300 + 300 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर 125 को पुनः जो है क्या करेंगे 300 से भाग करेंगे, सॉरी 300 को 125 से पुनः भाग करेंगे, फिर जो है 125 दुन्ना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 शेष बच जाएगा। अब 50 को पुनः जो है 50 से 125 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 50 × 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 25 शेष बच जाएगा। अब इस 25 को पुनः जो है क्या करेंगे,
50 को भाग देंगे। अब 25 से जब 50 को भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इस प्रकार से जो है 25 ही इन दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। तो अब देखिए जो 25 आया है ये क्या है, वर्गाकार टाइल की एक भुजा है। तो वर्गाकार टाइल की जब एक भुजा हमको पता चल जाएगी तो क्या करेंगे, उस टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए वर्गाकार टाइल है तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 25 × 25 कर देंगे। और फिर देखिए अब टाइलों की संख्या हमको निकालना है, तो देखिए टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है उसी का जो है जो गुणा करेंगे वही क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 300 × 425 दिया हुआ है, और इसी को क्या करेंगे जो है टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर टाइल्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, जो है कमरे की फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 300 × 425 / 25 × 25 हो जाएगा। और जब इसको जो है हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 204, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर देखिए जो है क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है यानी कि मान लीजिए इस तरीके से समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई इस तरीके से ये वाली ऊंचाई दी हुई है, और करना क्या है हमको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मान लेंगे कि माना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर क्या हो जाएगी, x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी, लेकिन इस जो है समबाहु त्रिभुज के जो ऊपर शीर्ष होता है तो वो शीर्ष से जो नीचे आधार पर लंब डाला जाता है, वो लंब क्या करता है, समबाहु त्रिभुज के आधार को दो समान भागों में बांटता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये भुजा है नीचे वाली, तो ऊपर से जो शीर्ष से लंब डाला गया है तो इसको दो जो है बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये पूरी जो है वो x थी, तो यहाँ पर जो है आधी इतनी कितनी हो जाएगी, x बटे दो हो जाएगी, और ये भी जो है x बटे दो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, यहाँ पर जो है निकाल लेंगे एक भुजा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमको जो है क्या दिया हुआ है, देखिए इस रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमको ये लंब दिया हुआ है और ये कर्ण भुजा हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार, और इसकी सहायता से फिर जो है एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए जो है लंब का स्क्वायर बराबर कर दिया गया है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा दिया गया है और इसी की सहायता से फिर यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली गई है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और फिर त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हम ऊपर त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर सॉरी त्रिभुज की एक भुजा x माने थे, तो x की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, त्रिभुज की एक भुजा हो जाएगी। अब देखिए हम सीधा सा क्या करेंगे, जो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/4 × 6 स्क्वायर हो जाएगा, और 6 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 36, और फिर जो है 36 को 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36, तो यहाँ पर 9√3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x^4y − xy^4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x^4y − xy^4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, xy कॉमन ले लेंगे, और फिर यहाँ से बच जाएगा x³ − y³, और फिर देखिए
एक्स वाई को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और यहां से देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि प्लस का एक्स वाई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई इंटू एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंडर रूट के अंदर है 121 प्लस अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.16 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए 2015 के पेपर में क्वेश्चन है और आप लोगों को हल भी करवाया जा चुका है, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करवाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप लोगों का सिर्फ रिवीजन हो रहा है और देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो है इन क्वेश्चंस को आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप लोग एकदम अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 121 का अंडर रूट दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और फिर 0.04 का वर्गमूल 0.2 हो जाएगा और 0.16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा और फिर देखिए 0.4 में से 0.2 को घटाएंगे तो 0.2 हो जाएगा और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 19.2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए जो है 2015 के पेपर में हल करवाया जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 30 गुड़े 16 कर लेंगे और इधर देखिए मजदूरों की संख्या कितनी है 12 है, तो यहाँ पर 12 कर लिए और दिनों की संख्या नहीं दी हुई है तो यहाँ पर दिन जो है D1 के नाम से रख लेंगे, यानी कि D के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर D1 एक तरफ रखेंगे और 12 को पक्षांतर कर लेंगे तो 30 गुड़े 16 और बटे 12 यहाँ पर हो जाएगा और फिर जो है इसको हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के दिन कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, यानी कि 12 मजदूर इस काम को 40 दिन में कर लेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के ना समझ में आए, यानी कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आए। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाए गए हैं 2015 से लेकर के 19 तक सारे पेपर हल करवा दिए गए हैं। तो वहां से आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर कॉपी पर अच्छे से पेज पर समझाया गया है। तो वहां से मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो हो सकता है थोड़ा आप लोगों को कम समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आंकड़े दिए हुए हैं अवर्गीकृत आंकड़े और इनकी हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2015 में पूछा गया है। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए ये आरोही क्रम इनका लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे, इन पदों को गिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गिनने पर जो है पदों की संख्या कितनी आ रही, 9 आ रही, जो कि एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। तो देखिए विषम का फार्मूला क्या होता है माध्यिका का, n+1/2 पद का मान। तो यहाँ पर देखिए जो है विषम वाला फार्मूला लगा देंगे, अगर सम पूछा जाता तो सम का दूसरा फार्मूला होता है तो यहाँ पर वो दूसरा वाला फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पर जो है विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, n+1/2 पद का मान। तो देखिए फिर जो है यहाँ पर माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मीडियन जो है माध्यिका को कहा जाता है इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा जो है n+1/2 पद का मान। तो देखिए n की वैल्यू क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे और प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 बटे 2 हो जाएगा। अब 10 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी कि पांचवा पद आ जाएगा। अब पांचवा पद यहाँ पर आया है यानी कि ये आंसर जो है हमारा नहीं है, यानी कि पांचवा पद हम आंसर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको देखिए पांचवा पद जो है देखना पड़ेगा कौन है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 देखिए पांचवा पद कौन सा है, 10 है, तो यहाँ पर 10 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से लग सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर दिया हुआ है 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो देखिए ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें वह होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी, तो 101 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 107 और 109। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जिसमें QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर, RP बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण QRP बराबर 60 डिग्री हो। रचना मत कीजिए, रचना मत कीजिए का मतलब है रचना यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको रचना करना है, यानी कि इसको जो है प्रकार की सहायता से और पेंसिल की सहायता से इस चित्र को सिर्फ बनाना है, रचना नहीं करना है। अगर रचना करने के लिए कहता तो आपको रचना भी लिखनी पड़ती। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रकार की सहायता से ही किए जाते हैं, ऐसे अगर आप हाथ से जो है चित्र को ऐसे बना दोगे तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको प्रकार से बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए ये 2016 के पेपर में प्रकार से अच्छे से बताया गया है, तो वहां से आप लोग 2016 के प्रीवियस पेपर को आप लोग देख सकते हैं, तो वहां आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा और वहां पर प्रकार की सहायता से अच्छे से बताया गया है कि कैसे ये चित्र बनेगा। फिलहाल यहाँ पर हम आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिए दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे ये चित्र बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर QR 5.5 सेंटीमीटर की देखिए ये रेखा खींच लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर जो है RP बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन RP हमको जो है देखिए ये QR हमको भुजा मिल जाएगी, लेकिन अब हमको जो है RP पता नहीं है कि ऊपर जो है P बिंदु कहाँ होगा, तो हम RP भुजा जो है अब नहीं खींच सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कोण QRP जो है यानी कि जो R बिंदु पर है उस पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी कि जो RP भुजा है वो 60 डिग्री का कोण बनाती हुई भुजा है। तो यहाँ पर देखिए R पॉइंट पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाती हुई इस तरीके से एक रेखा खींच लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर जो है RP की माप दी हुई यानी कि जब ये भुजा 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसी भुजा पर कहीं P बिंदु होगा, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी ऊपर जो है P बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो है RP की नाप दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की नाप ले लेंगे और बिंदु जो R है R को केंद्र मान करके और जो है जो ये भुजा खींचे हैं 60 डिग्री बनाने वाली इसी पर जो है एक चाप लगाएंगे और जो चाप लगाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा P बिंदु हो जाएगा और फिर इस बिंदु को क्या करेंगे Q को मिला देंगे, तो इस प्रकार से PQR हमारा त्रिभुज बन जाएगा। और देखिए रचना करने के लिए कहा जाता है यानी कि रचना लिखने के लिए कहा जाता है, तो जो जो काम हम क्रम से किए हैं वही काम हम जो है क्रम से लिख देंगे अपनी भाषा में, बस वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, वही हमारी रचना हो जाएगी। और देखिए कभी भी रचना करने के लिए अगर कहा जाए तो आपको रचना छोड़ना नहीं है, यानी कि ये नहीं कि आप चित्र सही बना लिए तो रचना छोड़ दें, रचना जैसे भी आपको आती है आपको रचना कुल मिलाकर के लिख देना है अगर लिखने के लिए कहा गया है।
क्योंकि देखिए जब चित्र सही बना होगा आपका तो रचना पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्या किया जाता है, सिर्फ चित्र को देख लिया जाता है। और अगर आपका चित्र सही बना है तो रचना आपकी ऑटोमेटिक सही चेक हो जाती है। इसलिए अगर आप चित्र सही बना है तो रचना को कतई ना छोड़िए, जो कुछ भी आपको आता है उल्टा सीधा रचना में लिख दीजिए। अगर आप सही लिख पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, और सही नहीं लिख पा रहे हो तब भी रचना को छोड़ना नहीं है। लिखने के लिए कहा जाए तो रचना आपको लिखना जरूर है। और अगर आपका चित्र जो है गलत बना हुआ है तब आप रचना चाहे जितनी सही लिखो तब आपकी रचना चेक नहीं होगी, क्योंकि आपका चित्र जब सही बना होगा तभी आपकी रचना चेक हो सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको चित्र बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आपकी रचना भी चेक होगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि 2016 के पेपर में इसको हम हल करवाए हैं और उससे पहले भी एक वीडियो में इस क्वेश्चन को हल करवा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, तो दो संख्याओं का अंतर जो है यहाँ पर 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या हम माने हैं एक्स और दूसरी संख्या एक्स प्लस 48। तो स्टूडेंट कहते हैं कि यहां पर जब अंतर 48 कहा गया है तो यहां पर 48 प्लस क्यों किया गया है। तो यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करिए, देखिए यहां पर कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, तो यहां पर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हम x प्लस 48 ही मानेंगे, यानी कि जब x प्लस 48 में से हम x को घटाएंगे, देखिए x प्लस 48 में से जब x को घटाएंगे तो देखिए x x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 48 ही तो बचेगा, और यहाँ पर दोनों का अंतर 48 देखिए आना चाहिए, तो वही यहाँ पर किया गया है, यानी कि एक संख्या x मानी गई है तो दूसरी x प्लस 48 मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का देखिए अंतर जब ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो देखिए काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं क्वेश्चन गलत लगाया गया है, जबकि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सही क्वेश्चन है, क्योंकि जो है इसी टाइप से इसको माना जा सकता है, एक संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 48 हो जाएगी, तभी दोनों का अंतर क्या होगा, 48 होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है। तो देखिए बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, x प्लस 48 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x ही है और यहाँ पर 48 इसमें जुड़ गया है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 48 हो जाएगी। तो x प्लस 48 को छोटी संख्या यानी कि x से भाग किया गया है, तो यहाँ पर भागफल कितना है, 5 है और शेषफल 0 है, तो शेषफल से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि दोनों संख्याओं को बटे में करके बराबर में 5 लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस 48 बराबर 5x हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर देखिए 5x को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और 48 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा। अब 5x में से एक x घट जाएगा तो 4x बचेगा और बराबर में माइनस का 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x को एक तरफ रखेंगे और माइनस के 4 को भी दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर देखिए 48 बटे 4 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 48 को 4 से भाग करेंगे तो देखिए 12 चौक 48 होता है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद फिर पहली संख्या देखिए x माने थे तो यहाँ पर पहली संख्या x यानी कि 12 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या माने थे, x प्लस 48 माने थे, तो यहाँ पर 12 प्लस 48 यानी कि 60 हो जाएगी। अब देखिए दोनों का अगर अंतर ज्ञात करेंगे तो यानी कि 60 माइनस 12 करेंगे तो 60 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 12 देखिए हो जाएगा 48, और यही क्वेश्चन में कहा गया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2016 के जो है सेकंड सेट में क्वेश्चन हल करवाया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 112 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 121
भागे 11 गुणे 11 ब्रैकेट में है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 4, फिर माइनस, फिर मंझले ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस 8 माइनस 1, और फिर मंझला ब्रैकेट बंद है और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है, को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट हल करेंगे और बाकी संख्याओं को ऐसे ही उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है पूरा क्वेश्चन ऊपर से उतार लिया गया है, उसके बाद फिर इस स्टेप में क्या करेंगे, रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर 8 माइनस 1 है, तो 8 माइनस 1 का क्या हो गया, 7 हो गया है। और फिर क्या करेंगे, अब छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो देखिए 11 ग्रहियम 121 हो गया है। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जो है क्या हो जाएगा, गुणा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस का 4 हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, जितने भी छोटे ब्रैकेट हैं उनको हटा देंगे इस स्टेप में। तो यहाँ पर 121 भागे 121 हो जाएगा और प्लस का 4 है। और फिर यहाँ पर देखिए जो है मंझले ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस 7, तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 112 माइनस 121 और फिर भागे 121 प्लस 4, और फिर यहाँ पर देखिए जो है माइनस माइनस का गुणा होगा, तो यहाँ से भी प्लस का 4 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब 4 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले देखिए 121 को 121 से भाग करेंगे, तो 121 का 121 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से 9 आ जाएगा, और 112 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।